वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। भारत में किलर कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई अन्य शहरों में कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या में बीते कुछ हफ्तों से अचानक तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बॉलीवुड सितारे या उनसे जुड़े लोग भी कोरोना वायरस के संक्रमण के संपर्क में आने से बच नहीं पाए। वहीं आपको बता दें, ताजा मामला सलमान खान से जुड़ा है। जी हां, सलमान खान का पर्सनल ड्राइवर और उनके दो स्टाफ मेंबर्स कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के पर्सनल ड्राइवर अशोक और उनके घर के दो स्टाफ मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद से ही सलमान सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। बता दें कि सलमान खान 14 दिन के लिए खुद को सभी से दूर कर लिया है। सलमान के तीनों स्टाफ मेंबर्स को इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सलमान ने ये सुनिश्चित किया है कि वायरस की चपेट में आए उनके सभी स्टाफ मेंबर्स को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। जानकारी मिली है कि खान परिवार में सलीम खान और सलमान खान की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अब इन तैयारियों का फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। वैसे सलमान के 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में जाने के बाद सबसे बड़ा सवालियां निशान उनके टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 में वीकेंड के वार को होने वाला है। हर हफ्ते सलमान वीकेंड के वार की शूटिंग के लिए शो के सेट पर जाया करते थे, लेकिन अब सलमान वहां जा नहीं पाएंगे। इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे वारली और जल्दी से जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।